ये स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एडसेंस सॉल्यूशन पे। आज हम आप सभी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिवीजन क्लास चल रही है, उस रिवीजन क्लास में जो आज का सेशन है वो है अल्टरनेटिंग करंट। इस अल्टरनेटिंग करंट पे टॉपिक्स पे रहेगी। इसके पहले हमने कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जिसमें क्या था आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और डीसी। चार टॉपिक के बारे में हमने समरी दे दी है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिंग करंट, जिसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं एसी। एसी के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे आपको चर्चा करने को मिलेगी। ठीक, तो उम्मीद है आपको सारा पॉइंट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एसी एसी क्या है? अल्टरनेटिंग करंट मतलब है कि स्टैटिक करंट नहीं है। वोल्टेज और करंट क्या होता है? टाइम और फेज के साथ में क्या होता है? चेंजेज होते रहते हैं, वेरिएशन इसमें होता रहता है। ठीक, तो अल्टरनेटिंग करंट है। इसमें कई टॉपिक्स होती हैं, आप बुक में पढ़ेंगे सारे बुक सारे टॉपिक्स को लगभग आप एक टॉपिक में कवर करेंगे जो अगले 15-20 मिनट का वीडियोज होंगे। तो इस अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट में दो चीजें ले सकते हैं। एक एसी सोर्स ले सकते हैं जैसे हमने डीसी में दिखाए हुए थे, दूसरा सर्किट ले सकते हैं। ठीक है, सर्किट ले सकते हैं, सर्किट या नेटवर्क। जो सर्किट होता है वो एक होता है, नेटवर्क क्या होता है? कई सर्किटों का कम्बाइनेशन होते हैं। तो इस तरीके का जो है कि आपको पूरा डिटेल मिलेगी। तो इस टॉपिक में हम आपको कई चीजें कवर करेंगे। जो नेटवर्क है तो आपको लगभग चार टॉपिकों में कवर करेंगे। जैसे में पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक, सेकंड आपका रहेगा सीरीज, सीरीज कनेक्शन किस तरीके का है जिसे आपको था। सेकंड है आपका, थर्ड है आपका पैरेलल कनेक्शन, और उसके बाद इसी में क्या है फेजर डायग्राम समझाएंगे। और नेक्स्ट है आपका थ्री फेज सिस्टम। ठीक, थ्री फेज सिस्टम रहेगा। अब जो सोर्स होता है, ऐसे सोर्स बनती है, थ्री फेज में जनरेट होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे काफी चीजें डिटेल रहेंगी। ठीक, तो अब चलते हैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ दिस अल्टरनेटिव करंट के बारे में बताते हैं। अल्टरनेटिव करंट का जो इंट्रोडक्शन होता है इसमें कई टर्मोलॉजी आती है, आप सभी को जानना बड़ा जरूरी होता है। उसका जो सबसे शॉर्टकट और सिंपल है वो है आपका फ्रेज है, PREIS। ठीक है, ये क्या है? शॉर्टकट है। जैसा कि हमने आपको पहले बताए हुए थे कि रेजिस्टेंस के बारे में जानना हो तो आपको क्या है, रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला बताए हुए थे आपको पृथ्वी ग्राम से, PRITHVI। ठीक है, इंडक्टेंस के जानने के लिए बताए थे आपको महो BHOLE होले। ठीक है, कैपेसिटेंस में बताए थे WCQ भोले। ठीक है, इसी तरीके की डिटेल्स थी। ओके, उसी तरीके क्या है आपको अल्टरनेटिव करंट जानना होगा तो PRAISS या प्रेस के बारे में आपको जानेंगे, सारे टर्मोलॉजी समझेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें पहले हमने बता चुके हैं, आप डिटेल्स देख सकते हैं। अब प्रेस में क्या होता है आपको बताते हैं। जैसे ये पी से क्या है, पावर। अल्टरनेटिव करंट की पावर क्या होती है इसके बारे में आपको बार बार समझना पड़ेगा। आर से क्या होता है, RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, थर्ड है आपका एवरेज वैल्यू, किसी भी अल्टरनेटिव करंट क्या एवरेज वैल्यू जानने के लिए। ठीक, उसके आगे आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। नेक्स्ट आपका सिनुसॉइडल वेव्स, सिनुसॉइडल वेव्स। अल्टरनेटिव करंट बोलते ही आपको पांच टर्मोलॉजी का बड़ा अच्छे से बारीक जाना पता होने चाहिए। इस बारे को नहीं पता होने पे आपको क्या है कि कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या चीज कैसे है। ठीक, तो सिनुसॉइडल क्या होता है आपको इसे बता दें कि इस तरीके क्या फेज बनता है, इस तरीके क्या डीसी तो नहीं होता, एसी में शिफ्ट होता है, ये होता है सिनुसॉइडल वेव्स होती है। अब हम आई के लिए भी ले सकते हैं, वी के लिए भी इसी तरीके ले सकते हैं, बस एंगल डिफरेंस रहेगा। ठीक, ये क्या होता है सिनुसॉइडल वेव्स होती है। ठीक, ये क्या है साइन थीटा के हिसाब से क्या है वेरी करती रहती है, वो आई हो या फिर वी हो। ओके, तो जो ये वेरी करती है तो किसी पॉइंट पे होती है तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। जैसे आई इक्वल टू आई मैक्स इंटू साइन थीटा, उसी तरीके का होगा वी इक्वल टू वी मैक्स इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये चीज क्या हो जाएगा सिनुसॉइडल वेव और इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक, एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू इसी चीज का क्या होता है 63% होता है, 63% होता है, मतलब 2/π इंटू वी मैक्स का जो होगा वो वी होगा। ठीक है, वी एवरेज, और आई रहेगा आई एवरेज लेंगे 2π/x आई मैक्स। ठीक, इस तरीके की डिटेल्स होगी। लिंक क्या हो, ये 63.7% होता है। ओके, RMS वैल्यू लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 होगा, चाहे वोल्टेज का हो या 1/√2 करंट का हो। ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं।
अब आप इस तरीके अगर बारीक बारीक से समझेंगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पावर, ठीक है। पावर के लिए क्या होता है, डीसी सर्किट में सीधा सीधा लेते हैं, डीसी पावर के लिए आपका वी इंटू आई ले लेते हैं, लेकिन एसी कंडीशन में क्या होता है, फेज एंगल साथ में आता है, वोल्टेज करंट इंटू उन दोनों के बीच में क्या है, साइन थीटा क्या है, उस चीज के साथ कंसीडर होती है। तो जो आपका ये इंट्रोडक्शन होता है अल्टरनेटिव करंट का, इसी पांच शब्दों से खत्म हो जाता है, ठीक। अब इसी में आता है फॉर्म फैक्टर्स क्या होते हैं। फॉर्म फैक्टर्स, फॉर्म फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो फॉर्म फैक्टर वर्ड को जानना चाहिए, तो आप इसे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। जस्ट बताते हैं आपको इसमें क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, इन दोनों का क्या डिवीजन होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू, ठीक है। आपको यहाँ दिखा देते हैं फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है, यहाँ पे कैसे होता है आपको दिखा देते हैं। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू, ठीक है। अभी क्या होता है कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, 70.7% होती है, 70.7 आब्लिक में 63.7 डिवाइड करेंगे तो 1.11 आता है, ठीक है। ये वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कहलाती है। तो कोई भी चीज़ होता है इंट्रोडक्शन का इस तरीके से पूरे डिटेल समझ में आ जाता है, ओके। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं।